दिस इज अरिंद शुक्ला। दोस्तों आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो, एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाए उसे भी ध्यान से सुनिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। योग का वर्णन किस वेद में किया गया है? योग का जो वर्णन है किस वेद में मिलता है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट अराउंग आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तब उसे नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऋग्वेद में। सी करेक्ट आंसर होगा, योग का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, सी इसका राइट आंसर होगा। दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं परीक्षा में। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, योग का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। आपको बताना है मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए, मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? असम, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश का। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मटकी मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। तो बी इसका राइट आंसर होगा, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस या फिर विश्व धरोहर दिवस, एक ही बात है, कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 18 अप्रैल को। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिंद महासागर में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, होली हिंदू माह में मनाया जाता, सॉरी हिंदुओं का त्यौहार है, आपको बताना है किस हिंदू माह में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फाल्गुन में मनाया जाता है होली। कब मनाया जाता है? फाल्गुन में मनाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। सीजीएल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया था, होली किस माह में मनाया जाता है? फाल्गुन के माह में मनाया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। मिजोरम की राजधानी बताइए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम? मिजोरम की राजधानी क्या है? दिसपुर, पोर्ट ब्लेयर, आइजोल, गांधीनगर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आइजोल। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। देश पर पूछ सकते हैं कहाँ की राजधानी है, असम की राजधानी है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। पोर्ट विलियर
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, इनको भी याद रखिए। राजधानी संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आइजोल करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, तक्षशिला कहाँ पर है, वर्तमान में तक्षशिला कहाँ पर है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत या फिर ईरान। बहुत अच्छे सभी, इसका आंसर करिए वर्तमान में तक्षशिला कहाँ पर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पाकिस्तान में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 मई को। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, अश्वघोष किसके दरबार में थे, सभी बताइए, इतिहास का क्वेश्चन है, अश्वघोष किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्ती, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्षवर्धन के। अब देखिए एक क्वेश्चन याद रखिए जो परीक्षा में पूछा जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है परीक्षा में, बुद्ध चरित की रचना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिए बौद्ध चरित की रचना किसने की थी, अश्वघोष ने की थी, और अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे, किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे, बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है कनिष्क, कुषाण वंश से संबंधित है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कनिष्क किस वंश के शासक थे, कुषाण वंश के शासक थे, कुषाण वंश से संबंधित हैं और कुषाण वंश की स्थापना की थी कुजुल कटफिसेस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा, यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, यह भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने बनाया था, इसका राइट आंसर क्या होगा। आगरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, यमुना नदी किनारे बसा है आगरा, आपको बताना है आगरा को तत्कालीन भारत की राजधानी सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने बनाया था, अकबर, हुमायूं, सिकंदर लोदी, शाहजहां, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिकंदर लोदी ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सिकंदर लोदी ने तत्कालीन भारत की राजधानी बनाई थी आगरा को, और यह पहले मुस्लिम शासक था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, और सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक था। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सभी जल्दी से बताइए, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा। सीमा, मिराज, रिंकू, शिवांशु, अभिषेक, देव, अमित, आप सभी करेक्ट आंसर है, ईसु, पूजा, आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुंदरलाल बोगड़ा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सुंदरलाल बोगड़ा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था, बी इसका राइट आंसर होगा। संतोष सुभद्रा, आपके भी राइट आंसर है, गुड, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। लक्ष्मी, वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुंदरलाल बोगड़ा करेक्ट आंसर होगा। सो वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर पद भरा जाना आवश्यक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने के बाद कितनी अवधि के अंदर पद भरा जाना आवश्यक है, 4 माह,
एक वर्ष, 9 माह या फिर 6 महीने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 6 महीने। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति पद 6 महीने के अंदर भर जाना चाहिए, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है डी, करेक्ट आंसर होगा इसका। एग्जाम की अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, जून या जुलाई में हो सकता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, सभी इसका आंसर करिए। रोहतांग दर्रा भारत में कहां पर है? सभी जल्दी से बताइए, रोहतांग दर्रा भारत में कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या फिर सिक्किम, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, पूछा जाएगा क्वेश्चन परीक्षा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप लोग याद रखिए, एनी बेसेंट कब अध्यक्ष बनी थी? 1917 में, 1917 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। यह भी पूछ सकते हैं किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1917 में। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। अब देखिए, ये क्वेश्चन अलग है। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आप लोग याद रखिए, सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और इन्होंने कानपुर अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों को आप लोग याद रखिए। गुड मॉर्निंग अंश, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का 1917 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 का। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? सीजीएल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 की परीक्षा में पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, नन ऑफ दीज, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 का। डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाजीराव प्रथम। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, बाजीराव प्रथम। इनको लड़ाकू पेशवा, हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, सभी आंसर करिए जल्दी से। बहुत अच्छे दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सैयद अहमद खान। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था, तो डी इसका राइट आंसर होगा। इस बार आप सभी करेक्ट आंसर हैं, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, बद्रीनाथ अवस्थित है, आपको बताना है बद्रीनाथ अवस्थित है। अगर पूछा जाए किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है, कुमाऊं हिमालय पर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बद्रीनाथ कुमाऊं हिमालय पर स्थित है उत्तराखंड में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, डांडिया कहाँ का फोक डांस है? सभी जल्दी से बताइए, डांडिया कहाँ का फोक डांस है? डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है, तो डी इसका राइट आंसर होगा, मुख्यतः गुजरात से संबंधित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? सभी इसका आंसर करिए, एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक, राजस्थान, केरल या फिर बिहार,
इस प्रकार से ऑप्शन है। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटका में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटका में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर है, किस भारतीय राज्य में विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, तमिलनाडु, केरल, सिक्किम या फिर कर्नाटका। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, समुद्री समीर बहती है, किस समय बहती है, दिन के समय, रात के समय, दोनों समय या फिर मौसमी, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दिन के समय। यस, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, समुद्री समीर दिन के समय बहती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से बताइए, किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैकाल झील को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब दो क्वेश्चन परीक्षा में और बैकाल झील से संबंधित पूछे जा सकते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सी परीक्षा में पूछा भी गया है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। एक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बैकाल लेक है कहां पर, तो ये रसिया में है। कहां पर है, रसिया में है। गुड, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, विश्व में सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहां पर होता है। यस, विश्व में सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहां पर होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। चाइना, भारत, इंग्लैंड, रसिया, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चाइना में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, विश्व में सबसे अधिक आलू का उत्पादन चाइना में होता है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए भारत में, भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहां पर होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक भारत में आलू का उत्पादन होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्टोग्राफी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, किस क्लासिकल डांस में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, कथक, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कथकली। यस, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। बी इसका राइट आंसर है, कथकली एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। अब पूछा जाएगा किस राज्य से संबंधित है, केरल से संबंधित है मुख्यतः, केरल का क्लासिकल डांस है कथकली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, कृष्णा राज सागर डैम कहां पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से बताइए, कृष्णा राज सागर डैम कहां पर है, मैसूर, उदयपुर, कोटा या फिर हैदराबाद में, इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैसूर में। कहां पर है, मैसूर में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है, किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है मैसूर में, तो ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, ओरछा किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ओरछा किस राज्य में है? इसका राइट आंसर आपको बताना है बिहार, मध्य प्रदेश, असम या फिर मेघालय। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, ओरछा मध्य प्रदेश में है, तो बी का राइट आंसर है। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, वायुमंडल में ओजोन की कमी को किससे जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वायुमंडल में ओजोन की कमी को किससे जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। या सी करेक्ट आंसर होगा, वायुमंडल में ओजोन की कमी को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, आपको बताना है हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया था? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया था परीक्षा में, हरिद्वार किस नदी किनारे स्थित है? हरिद्वार गंगा नदी किनारे स्थित है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, और ये उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। अब आपको बताना है हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विक्रमादित्य ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, राजा विक्रमादित्य ने हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण करवाया था, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, रेड स्क्वायर कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रेड स्क्वायर कहां पर स्थित है? मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर मेलबर्न, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड, ऑप्शन को पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं लेना है। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मॉस्को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर नहीं होगा, मॉस्को करेक्ट आंसर होगा इसका। अगर पूछा जाता टाइम्स स्क्वायर कहां पर है, क्या पूछा जाता टाइम्स स्क्वायर कहां पर है, तब न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर होगा, ये अलग क्वेश्चन है। टाइम्स स्क्वायर अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, यहां पर पूछा गया है रेड स्क्वायर कहां पर है, तो ये रशिया की राजधानी मॉस्को में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर है इसका, मॉस्को करेक्ट आंसर होगा, मॉस्को रशिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, आपको बताना है ऊनी साल के उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊनी साल के उद्योग के लिए कौन सा शहर इनमें से प्रसिद्ध है? सभी इसका आंसर करिए, लुधियाना, भोपाल, कानपुर, श्रीनगर, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लुधियाना। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, लुधियाना ऊनी साल के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और ये लुधियाना कहां पर है, ये भी पूछा जाता है, पंजाब का नगर है, पंजाब में है लुधियाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएनपी? जीएनपी का फुल फॉर्म, पूर्ण रूप क्या होता है? बहुत अच्छे, चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए दोस्तों। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, स्पेशल हिंदी का सेशन होगा, उसे भी ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, यस, डी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, देशपाल शब्द किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देशपाल शब्द किससे संबंधित है? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्वनि की तीव्रता की मापने की इकाई डेसिबल है, तो सी इसका राइट आंसर होगा, ध्वनि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 का सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ फ्रांस? फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है?
क्रिकेट, टेबल टेनिस, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, ब्रिटेन के किस देश, सॉरी यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को लघु यूरोप भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, डल लेक कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डल लेक कहां पर है? बहुत अच्छे दोस्तों, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जम्मू कश्मीर में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, डल लेक जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, आपको बताना है टेलीग्राम के संस्थापक कौन है, टेलीग्राम की स्थापना किसने की थी? गुड, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। एक दो क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं तो उनको नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पावेल ड्यूरोप। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पावेल ड्यूरोप, इन्होंने टेलीग्राम की स्थापना की थी, तो बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, कार्डेमम पहाड़ियां कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्डेमम पहाड़ियां मुख्यतः किस पार्वतीय राज्य में है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र? बहुत अच्छे, गुड, कार्डेमम पहाड़ियां पूछा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केरला। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर है, केरल में है कार्डेमम पहाड़ियां, तो सी इसका राइट आंसर है। केरल भारत का राज्य है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है, सबसे अधिक इलायची का उत्पादन केरल में होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? यह अच्छा क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्फ्रेड नोबल ने। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, आपको बताना है निम्न में से कौन मीठे पानी की झील नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लोकटक लेक, सामल लेक, बड़ा पानी लेक, भीमताल, इनमें से कौन मीठे पानी की झील नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है आपको, क्या पूछा है नहीं है, अब आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सांबल लेक, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, सांबल लेक खारे पानी की झील है, कहां पर है? राजस्थान में है। ये पूछा जाता है सांबल लेक कहां पर है? राजस्थान में है। कैसी पानी की झील है? खारे पानी की झील है। बाकी लोकटक लेक, बड़ा पानी लेक, भीमताल, ये सभी मीठे पानी की झील है, तो बीस का राइट आंसर होगा, सामल लेक करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? यस टारगेट, बाद में क्लास देख सकते हो, अगर आप लोग लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो क्लास को बाद में भी देख सकते हो, बट क्लास के अंत में स्कोर जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन राइट हुए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेसिडेंट, या सी करेक्ट आंसर होगा, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा, प्रेसिडेंट करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? सभी जल्दी से बताइए, कौन सी अधातु इनमें से
तरल अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन, इस प्रकार से ऑप्शन है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रोमीन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु ब्रोमीन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है इंटरनेट में, इंटरनेट के संबंध में आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईएसपी का फुल फॉर्म बताइए। गुड, क्वेश्चन नंबर 42 है ये, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो डी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, इस बार डी करेक्ट आंसर होगा इसका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा कहां से ली गई है, सभी इसका आंसर करिए। भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, कनाडा, आयरलैंड, इटली या फिर जर्मनी। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मनी से, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा जर्मनी से ली गई है, तो डी इसका राइट आंसर होगा, जर्मनी के संविधान से लिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जर्मनी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, बर्लिन राजधानी है जर्मनी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है भारतीय संविधान की मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी को किसने लिखा है, सभी इसका आंसर करिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन नंबर सी है प्रेम बिहारी रायजादा, डी एन अनौपधी, जिनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेम बिहारी रायजादा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है, तो सी इसका राइट आंसर होगा, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, प्रेम बिहारी रायजादा करेक्ट आंसर है। 45 के लिए आंसर करिएगा, गन आइलैंड पुस्तक किसने लिखी है, गन आइलैंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, लेखक बताइए पुस्तक के, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अमिताभ घोष। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अमिताभ घोष ने गन आइलैंड नामक पुस्तक लिखी है, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। राज्यसभा किसी धन विधेयक को कब तक रोक सकती है, कितने दिनों तक रोक सकती है, एक माह तक, 14 दिनों तक, 2 माह तक या फिर 6 महीने तक, इस प्रकार से ऑप्शन है। बहुत अच्छे, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 14 दिनों तक। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है, 14 डेज, 14 दिनों तक, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ये डिसीजन लेता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। आपको बताना है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर बताइए, कानपुर, चेन्नई, बंगलुरु या फिर दिल्ली। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कानपुर में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है, नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या फिर पटना। राज्य नहीं पूछा आपसे, शहर पूछा है तो मुंबई करेक्ट आंसर होगा, अगर राज्य पूछा जाता तो महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, बी इसका राइट आंसर होगा।
मुंबई करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। रासायनिक ऊर्जा को बदला जा सकता है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जा सकता है? प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, या फिर इन सभी में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इन सभी में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। रासायनिक ऊर्जा को इन सभी में बदला जा सकता है, प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो डी इसका राइट आंसर होगा, इन सभी में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सभी बताइए, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? बहुत अच्छे दोस्तों, अच्छे से ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सैमुअल कोल्ट ने। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, सैमुअल कोल्ट करेक्ट आंसर होगा। 51 के लिए आंसर करिए, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी इसका आंसर करिए, बहुत अच्छे दोस्तों। आपको बताना है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नवपाषाण काल में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, नवपाषाण काल में हुआ था पहिए का आविष्कार, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। खेड़ा आंदोलन कब शुरू हुआ था? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, खेड़ा आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा, 1918 में, 1914 में, 1911 में, या फिर 1929 में? इसका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1918 में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ए करेक्ट आंसर होगा, 1918 में खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा, 1918। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। निशान ए पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिली है? आपको बताना है एकमात्र भारतीय कौन है जिनको निशान ए पाकिस्तानी की उपाधि सम्मानित किया गया है? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोरारजी देसाई। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मोरारजी देसाई एकमात्र भारतीय हैं जिनको निशान ए पाकिस्तान की उपाधि सम्मानित किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। मुगल शासक जहांगीर की कब्र कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा, जहांगीर का मकबरा आपको बताना है कहां पर है, आगरा, श्रीनगर, दिल्ली, या फिर लाहौर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर में जहांगीर का मकबरा है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन अंतरराज परिषद का गठन कर सकता है, स्थापना कर सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर पार्लियामेंट? बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन अंतरराज परिषद की स्थापना कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेसिडेंट, ए करेक्ट आंसर होगा, प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अंतरराज परिषद की स्थापना कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, प्रेसिडेंट करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। किस राज्य में साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर क्या होगा, किस राज्य में भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर है? बहुत अच्छे दोस्तों, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या फिर वेस्ट बंगाल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरला में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर है भारत में,
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए, आपको बताना है एफिल टावर कहां पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा। एफिल टावर कहां पर है, इसका करेक्ट आंसर बताइए मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर पेरिस। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूयॉर्क में। बी करेक्ट आंसर होगा, न्यूयॉर्क अमेरिका का एक नगर है, यूएसए का एक नगर है और न्यूयॉर्क में एफिल टावर है, तो बी का राइट आंसर होगा। अब सभी ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूयॉर्क किस नदी किनारे बसा है। अगर पूछा जाए न्यूयॉर्क किस नदी किनारे बसा है, हडसन नदी किनारे बसा है। किस नदी किनारे, हडसन नदी किनारे बसा है, अमेरिका का नगर है न्यूयॉर्क और यहीं पर एफिल टावर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, आपको बताना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई, दिल्ली, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई। गुड, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, आपको बताना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, महाराष्ट्र के मुंबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस या फिर क्रिकेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैडमिंटन से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ये भारत के और बैडमिंटन से संबंधित है, पुलेला गोपीचंद, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है, किस नदी पर है, इंद्रावती रिवर पर है। अब आपको बताना है किस राज्य में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड में। गुड, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, छत्तीसगढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 10 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। सचिन, वेरी गुड, अच्छा स्कोर है आपका। अमित, गुड, आपका भी अच्छा स्कोर है। डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है, अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, हिंदी का सेशन है। जिद्दी गर्ल पूजा, आपके भी अच्छे स्कोर हैं। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। फायर गर्ल, वेरी गुड। सनी, बहुत अच्छे, गुड। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू।